नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं बोसभा के अध्यक्ष आर एस गौतम जी और ये एक केंद्रीय शिक्षक भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद और सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल लोग अपने नाम से पहले बोधाचार्य लगा लेते हैं या फिर किसी का सम्मान करना होता है उसे बोधाचार्य से सम्मानित किया जाता है, तो वो क्या है, बोधाचार्य का असली मतलब क्या है? देखिए, पहले जो बौद्ध धर्म था हमारे भिक्षु के ऊपर डिपेंड था। भिक्षु ही हमारे घरों में जाते थे, वही प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन वो भिक्षु का जो आना जाना था वो कम हो गया, भिक्षु में कुछ अनाचार पैदा हो गए और होते होते बौद्ध धर्म का जो डिपेंड था भिक्षु के ऊपर वो 13वीं शताब्दी में आते आते मुसलमानों के आक्रमण के कारण बौद्ध धर्म को तहस नहस कर दिया गया और बौद्ध धर्म को समाप्त हो कर दिया। और इस वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इन बातों को देखा, देखने का बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उन्होंने सोचा कि हमारा जो धर्म है वो भिक्षु जब नहीं रहेंगे तो हमारे उपासकों द्वारा ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना अति आवश्यक है। तो बाबा साहब द्वारा जो उन्होंने 22 तरह के एक शिविर चलाने का प्रोग्राम किया, जिस शिविर के अंदर ये जो बोधाचार्य केंद्र शिक्षक जो बनाए जाते हैं 10 दिन का शिविर लगाया जाता है। इस शिविर के अंदर अपने 10 दिन के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित पढ़ाई की जाती है और पढ़ाई करने के बाद उसमें जब हम परीक्षा लेते हैं 10वें दिन, और परीक्षा लेने के बाद जो उत्तीर्ण होता है, जो कम से कम 35 अंक प्राप्त करता है बौद्ध धर्म संबंधित क्वेश्चनों का, तो उसे बोधाचार्य की डिग्री दी जाती है और 50% या उससे ऊपर केंद्र शिक्षक बना लिया जाता है। और ये बोधाचार्य का काम जो होता है ये अपने इलाके में जाकर के बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी संस्कार हैं, बौद्धों के संस्कार, उनको संस्कार कराना होता है। जैसे विवाह, शादी, नामकरण आदि जितने भी संस्कार होते हैं उन संस्कारों को कराना बोधाचार्य का कार्य होता है। क्योंकि भिक्षु का काम ये आपको संस्कार कराना नहीं होता है, क्योंकि भिक्षु तो एक उन्होंने राग द्वेष छोड़ दिया है, जो उसने अब घर को छोड़ दिया है और अब घर को त्याग दिया है, वो दोबारे अपने उपासकों को उस धर्म में क्यों बांधेगा। इस वजह से जो बोधाचार्य जो बनाए जाते हैं और बोधाचार्य का जो कार्य होता है और अपने समाज में जाकर के बौद्ध धर्म से संबंधित संस्कार को करना बोधाचार्य का कार्य होता है। सर, धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद। आपको बार बार धन्यवाद और आपको इससे से धन्यवाद है क्योंकि आप प्रिंट इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।